सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 रविवार को जगज्जीत इंटर कॉलेज इकाउना में प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक 1000 परीक्षार्थियों ने इकाउना केंद्र पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न हुई है। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण वर्मा, बने रहे हमारे साथ छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के इकोना में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 रविवार को जगज्जीत इंटर कॉलेज इकोना में प्रथम पाली में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक 1000 परीक्षार्थियों ने इकोना के अंदर पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराई गई। परीक्षा में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी अपने हमरा भारी पुलिस बल के साथ मुख्य गेट पर बौद्ध परिपथ पर तैनात होकर आवागमन एवं परीक्षार्थियों के प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इससे परीक्षार्थियों को अपने व सरकारी वाहनों से आने जाने में कोई असुविधा नहीं हुई। परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक भूदेश्वर पांडे ने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, सैनिटाइजर, पेयजल की व्यवस्था व परीक्षार्थी को सामान रखने की व्यवस्था, पेयजल, विद्युत जनरेटर आदि की व्यवस्था की गई थी। कट इनको कराना नहीं है कि और यूपी कट के लिए अब कोविड में पॉजिटिव कर देंगे कुछ लोगों को, बस खत्म। अच्छा, सरकार की तरफ से जो आप लोगों को सुविधाएं दी गई थी, निशुल्क बस मुहैया कराई गई थी, कुछ नहीं इसका कोई जब यहीं पर पेपर दिया जा रहा है, पता ही नहीं है। आज सुबह डॉक्टर से बोलो तो कहाँ रहने वाले हैं आप लोग? आज टीटी की परीक्षा देने आए हैं, कैसा पेपर हुआ? पेपर बहुत बढ़िया हुआ, अच्छा है। कहाँ रहने वाली है? अब तो बलरामपुर के। तो भाजपा की सरकार ने जो ये काम किया है अच्छा किया है? ठीक ही है, पेपर अच्छा है, हम लोग का पेपर बढ़िया हुआ है। कहाँ से आई हैं? अच्छा, आज परीक्षा जो टीटी की हुई है उसमें कैसा पेपर हुआ? अच्छा हुआ। सरकार की जो ये कार्य किया है उसमें सरकार से सहमत हैं? सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे।